हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल, बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियरिंग और सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 24th और 25th मार्च को, यानी आज और कल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 25th है, तो 24th और 25th ये दो दिन एग्ज़ाम हुए थे इनके। तो ये आपको पैटर्न वगैरह पता ही होगा कि अभी बीपीएससी जो है वो एक दिन में तीन पेपर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के, फिर दूसरे दिन में तीन, टोटल सिक्स पेपर होते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये जीके यानी जीके जीएस है ना, यानी जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 1 आवर्स का टाइम अलॉट होता है। तो उनका ये एग्ज़ाम हुआ था अभी 24 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका मैं आंसर की लेके आया हूँ। तो इस बार का क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंजेस था, चेंजेस ये है कि जो ऑप्शन है वो 4 के जगह 5 है। ऐसा जनरली जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होती है प्रीलिम्स की, उसमें ऐसा देखने को मिलता है आपको कि 5 ऑप्शन रहते हैं और जो 5वां ऑप्शन है उसमें रहता है कि नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से ज़्यादा अगर सही है या एक भी सही नहीं है तो आपको ये 5वां ऑप्शन टिक करना होता है। तो ये थोड़ा सा पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, जो इस बार असिस्टेंट इंजीनियर में भी आपको ऐड कर दिया गया है, ये चीज़ें इसमें देखने को मिला है। तो ये चीज़ें देखना है कि बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे किए हैं या फिर सिर्फ जीएस में किए हैं। तो बाकी अभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया नहीं है, सिर्फ एक आया, तो मैं इसके लिए आपको बाकी के लिए नहीं बता सकता अभी, बट ये चेंजेज है इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर की इसको देखते हैं और आप इसमें से मैच कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। तो बाद लास्ट में पेपर का जो एनालिसिस होगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेवल ऑफ द पेपर और क्या है इसमें, कितने स्कोर आपके अच्छे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मिनिमम होता है, किस मीडियम में, मीडियम की बात कर रहा है। तो देखिए, जो अगर ऑर्डर देखेंगे तो जो वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है उसमें ज़्यादा होती है स्पीड की लाइट। वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन एयर, एयर इज़ ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड। तो किस में मिनिमम होगा, सॉलिड में। अब आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, वाटर ये लिक्विड है, ओके, तो नेक्स्ट है किरोसिन, ये भी लिक्विड है, फ्लिंट ग्लास ये सॉलिड है, डायमंड, तो डायमंड सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है जिसकी आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, डायमंड, उसमें मिनिमम होगी स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि वो सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड होता है, ठीक है, तो डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो क्या होता है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तीन पैरामीटर है। तो देखिए, वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो आपको चेंज हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो जब आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको थर्ड ऑप्शन जो है उसमें दिखेगा कि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़, ये कौन सा वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है जो कि नॉन मैकेनिकल वेव विथ मीडियम डिपेंडेंट, नॉन मैकेनिकल वेव विथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मैकेनिकल वेव विद मीडियम डिपेंडेंट और देखो मैकेनिकल तो होता नहीं है, ये दोनों ऐसे ही कट गया, नॉन मैकेनिकल होता है। अब सवाल आता है कि मीडियम डिपेंडेंट है या मीडियम इंडिपेंडेंट है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से, तो बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ये इजी क्वेश्चन था, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल, देखिए इसमें एक में म्यूजिक दिया है, दूसरे में नॉइज, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए एनी अनवांटेड साउंड ये म्यूजिक नहीं होता, ये नॉइज होता है, तो ये तो कट गए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हैवी ड्यूटी ट्रक, ये भी कट गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, म्यूजिक हैज़ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हारमोनियस, म्यूजिक हैज़ अ वेरी सूथिंग इफेक्ट, नॉइज हैज़ इरेगुलर वेव फॉर्म वेवलेंथ एंड लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसको मैं स्टार कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखिए कि क्या हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं आपका सी मे बी द करेक्ट ऑप्शन, तो आप सी को मान सकते हैं, बट नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, तो मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, जो कुकिंग है वो कहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा, है ना, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। तो देखिए ये जो होता है डिपेंड करता है कि मतलब जैसे कि वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, है ना, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का, पर्टिकुलर लोकेशन का। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू देखें तो देखिए मीन सी लेवल यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, कम जो जो देखिए सिंपल इसका आंसर होगा कि जैसे जो हिली एरिया है ना, जैसे हिमालय रेंज में आता है, तो वो सब जगह जो है कुकिंग ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका मेरे हिसाब से, ठीक है, शिमला ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट लून, ये प्रोजेक्ट लून जो है गूगल ने लॉन्च किया था, तो ये एक तरह से करेंट अफेयर का क्वेश्चन कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट लून इज एसोसिएटेड विथ, वो किससे है। तो ये आपको फ्री इंटरनेट वगैरह के लिए, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था जो फ्री वाईफाई दिया, इनके थ्रू फ्री प्रोजेक्ट लोन के द्वारा फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया रहा था उन्होंने। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है, सोलर सेल का एफिशिएंसी किस रेंज में होता है, बी इन द रेंज ऑफ, ये 10-15% होता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन, तो एयर कंप्रेसर जो होता है वो पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट आर ऑब्जर्व्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, माइक्रोस्कोप के यूज से आप फिंगरप्रिंट ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। डिजिटल डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज डिजिटल डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्रीट, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ, ट्रांसफार्मर हमेशा AC अल्टरनेट करंट पे वर्क करता है, ठीक है, DC पे नहीं, तो A इसका करेक्ट आंसर होगा, DC पे ऑपरेट ही नहीं होता ट्रांसफार्मर, सो A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेवेंट वेव इन टेलीकम्युनिकेशन आर, टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा रे होता है, तो माइक्रोवेव होता है टेलीकम्युनिकेशन में, B इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट है, iOS, हाँ ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, ठीक है, तो 2 भी करेक्ट है, विंडोज़ फोन ये भी करेक्ट है, 1, 2, 3, तीसरा है सिम्बियन, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे सिम्बियन का, तो वो भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑल ऑफ द एबव के लिए देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो ई इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर है यानी सारे हैं, तो पांचवा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट, ठीक है, नॉट कह रहा है कि कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 कैश मेमोरी, ये प्राइमरी है, कैश मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी होता है, बाकी ये सारे ऑप्शन सेकेंडरी है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड डिवाइस सच एज, तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है ब्लू रे डिस्क भी होता है, फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार कर रहा हूँ, इसके आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर, ठीक है, मेरे हिसाब से मे बी सारे करेक्ट हो, बट फिर भी आप इसके ऑप्शन कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
वट वट विल हैपन वेन द मेमरी चिप इज़ वॉलेटाइल, वट विल हैपन वेन द मेमरी चिप इज़ वॉलेटाइल, तो एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब वॉलेटाइल मतलब लॉस हो जाना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट, करंट चला गया तो वो वॉलेटाइल नेचर होता है, ठीक है, रोम वाला। तो इसका जो होगा तीन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए जो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम एमलेंट टू लार्जेस्ट, एमलेंट टू लार्जेस्ट कॉमन डाटा, ठीक है। तो इसमें जब आप ऑर्डर में लिखेंगे, ये ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले आता है कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। तो तीन इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑर्डर में, ठीक है। तो थ्री, अब आप ऑप्शन में जाएंगे तो ओनली थ्री जो है डी ऑप्शन में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली थ्री, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम, फायरवेल, ये प्रिवेंट करता है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, कौन सा सही नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये चीज़ अंडरलाइन कर दिया कि एग्जाम में आप जैसे नोट है ना, तो ये नोट कह रहा है, तो बहुत लोग जैसे बी इन्होंने मारा, तो बी इसका गलत है ना, बी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कि रोल ऑफ पीपल स्ट्रगल कम्स टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, द हाइएस्ट अर्थ फील्ड डैम, देखिए ये अर्थ फील्ड डैम कहता है, तो बहुत लोगों ने टेहरी डैम मारा, टेहरी हाइएस्ट डैम है, 260 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन वो अर्थ फील्ड और रॉक फील्ड दोनों है, ये सिर्फ अर्थ फील्ड पूछा है, तो रंजीत सागर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री इन इंडिया, इंडिया का सुप्रीम कमांडर कौन होता है मिलिट्री का, तो प्रेसिडेंट होता है, ए द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। लोक अदालत इज, लोक अदालत क्या है, तो ए कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट, ए करेक्ट ऑप्शन है। बी, ए कोर्ट डिजाइन टू शॉर्टन द टाइम टेकन बाय सेटल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ए कोर्ट रन बाय द पीपल, इसको पीपल्स का भी कोर्ट कहते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, द पर्सन हु एस्टैब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल विच डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहा है ये, तो एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो आर्टिकल 21A में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 45 है इसमें भी एजुकेशन फॉर ऑल की बात किया गया, लेकिन वो बच्चों के लिए है ना, सिक्स्थ ईयर के कम बच्चों के लिए है। जब आप आर्टिकल 45 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से 21A होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव मे बी, फिर भी मैं स्टार कर रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगेन दिस इज टू इजी क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है कि एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए ये आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चार पांच क्वेश्चन जो मैं स्टार करूंगा, आप इसके कमेंट कर सकते हैं, द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्शन होता है नो डाउट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इसको स्टार किया हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इज, ये स्कूल होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। द नर्चरिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इज स्कूल,
तो डी इसका करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, संलयन, विखंडन, ओके, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दो है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा, ठीक है, तो विखंडन, ओके, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज, किसमें केमिकल चेंजेज है, तो कुकिंग ऑफ फूड इसमें होता है, करेक्ट है, डाइजेशन ऑफ फूड इसमें भी होता है, ये भी करेक्ट है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसमें नहीं होता है, वाटर इज हीटेड अप इसमें भी नहीं होता है, तो वन एंड टू ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेज। ए सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, ओके, तो इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो अब जब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये आपको डी ऑप्शन मिलेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो नॉट पूछ रहा है, तो मीथेन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस, तो ये भी नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, ओजोन इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, तो एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ओनली वन, एक जो है वो करेक्ट आंसर है इनका ए, ठीक है, बाकी एक भी नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नो, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड नो, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, तो ये नहीं है मेरे हिसाब से, वन, ओनली ऑन वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में जब एसिड के सॉल्यूशन को बेस से मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो होगा पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, नो, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, यस, टू करेक्ट है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, नहीं, जब टू करेक्ट हो गया तो थ्री ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यस, तो टू एंड फोर अगर जाएंगे तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है ये आपको बताना है, तो देखिए वाटर इज लेस देन एसिटिक, इज लेस देन हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोक्लोरिक, HCl, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसको, HCl लिख देता हूँ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, वाटर इज लेस देन एसिटिक एसिड लेस देन HCl, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आप इसमें से मैच कर लीजिए, वाटर एसिटिक और हाइड्रोक्लोरिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन UPSC में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ, इसमें बहुत लोगों ने साइट्रिक एसिड मारा लेकिन ये गलत है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है, टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है, 7 से 7.8, ए इसका करेक्ट आंसर है, 7 to 7.8। द इजिली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस, ये होता है एलपीजी गैस का मिथाइल मर्केप्टेन, ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें है नहीं, मर्केप्टेंट है ही नहीं ऑप्शन में, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन 2023, तो ये मध्य प्रदेश है, जिनका भी पेपर इन्होंने करेक्ट लिखा है बहुत सारा, यानी करंट अफेयर पढ़ के गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इनॉग्रेटेड इंडियाज हाइएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये लद्दाख में, यानी लेह लद्दाख में
ए इसका करेक्ट आंसर है, स्टार्ट किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू अप्रूव कोविड 19 वैक्सीन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए ना यूएसए है, इंग्लैंड भी नहीं है, जापान भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ओके, यानी लंदन। तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ये मणिपुर में किया गया है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज अ चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2021। देखिए 2021 में कोई भी चीफ गेस्ट था ही नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा था तो कोई नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, ई इसका करेक्ट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन, है ना, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, सी इसका करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था, ठीक है। विच वन कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडियन कोविड 19 वैक्सीन, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नेपाल नहीं होगा, भूटान होगा इसका करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, भूटान सबसे पहला जो इंडिया की तरफ से कोविशील्ड भेजा गया था वो भूटान को भेजा गया था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, वुमेन पायलट बोल रहा है फर्स्ट, है ना, तो ये शिवांगी सिंह था, ठीक है, इसमें से कोई है नहीं, तो ई इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, फिर भी आप, मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रॉकेट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा सिंगल रॉकेट में कितना लॉन्च किया गया था, तो वो था 143, डी इसका करेक्ट आंसर। आईआईसी बेंगलुरु हैज साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो ये किया गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी सी से, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन, आई होप कि आप के बहुत आंसर इसमें से मैच करेंगे, तो आप इसमें से अपना स्कोर बता सकते हैं। अगर मैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं, तो ये लिटरली डिफ़िकल्ट था, यही एग्ज़ाम में अभी तक जिससे पूछा गया था, तो उसमें से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था जीएस का, इसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना दिया ये ऑप्शन ई डाल के, तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, निगेटिव नहीं है, तो 50-50 क्वेश्चन आपको करने थे, तो अगर आपके 25 से 30 के बीच भी स्कोर हो रहा है तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, गुड स्कोर माना जाएगा, अगर आप 25 से 30 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो बीपीएससी के रेस्ट ऑफ द पेपर है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के पेपर है या जनरल इंजीनियरिंग के पेपर है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, तो ताकि मैं उनका भी वीडियो आपके पास, आपके लिए ला सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।